आज हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की लिस्ट में पहला डिवाइस है एबेकस, जो कि चाइना ने इन्वेंट किया था 500 BC। 500 BC को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं नियरली 5000 ईयर अगो। एबेकस डिवाइस का यूज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता है। एबेकस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ इस टाइप का डिवाइस यूज होता था, जिसमें इन बीट्स के मूवमेंट से ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड डिवाइस आया नेफिर बोन्स। नेफिर बोन्स ये थे जोन्स नेफिर ने नियरली 1670 ईयर के आसपास। नेफिर बोन्स को नेफिर रोड्स भी कहा जाता है। कुछ इस टाइप की क्यूबिकल रोड्स यूज होती है नेफिर बोन्स डिवाइस, बोन्स के डिवाइस में। इन क्यूबिकल रोड्स की हेल्प से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे इसमें ये सब ऑपरेशन के लिए एबेकस को यूज करते थे, नेफिर बोन्स में मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज की जाती थी। किसी भी मल्टीप्लीकेशन के लिए 11 रोड चाहिए होती है, 10 रोड तो 0 से लेकर 9 तक, और 11th रोड होती है मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई। पैस्कलाइन वाज गिवन बाय ब्लेज पैस्कल इन 1642। पैस्कलाइन इन्वेंट किया गया। पैस्कलाइन ब्लेज पैस्कल ने अपने फादर के लिए इन्वेंट किया था, जो कि टैक्स कलेक्टर थे। इस डिवाइस का यूज एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद आया पंच कार्ड। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है। पंच कार्ड में डाटा का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल्स के रूप में दर्शाया जाता था। उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बैबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन को 1834 में इन्वेंट किया गया। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। एनालिटिकल इंजन में यूज किया गया था इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, वही कॉन्सेप्ट हमारे आज के कंप्यूटर में यूज किया जाता है। चार्ल्स बैबेज ने अपने इस एनालिटिकल इंजन को पूरा डिजाइन तो कर दिया था, लेकिन वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। इंप्लीमेंट करने से पहले वो एक्सपायर हो गए 1871 में। ये 5 बेसिक हमारे डिवाइसेज हैं जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। Thank you.